के अंतर्गत आज कृषि विज्ञान में पशुपालन विषय पर चर्चा हो रही थी, पशुओं के रोग पढ़ाए जा रहे थे। पशुओं के अगले रोग है 35 खूनी दस्त। इसमें क्या होता है, पशु के दस्त गोबर में लाल खून जैसी आव आने लगती है, तो हम लोग कहते हैं कि पशु को 35 हो गया है। तो ऐसा कैसे होता है, सड़ा गला दूषित चारा या पानी उसको खिला पिला दिया जाता है तब उसको 35 होने लगती है। तो और जो अधिक गर्मी पड़ जाती तब भी क्या होता है, उसको 35 हो सकती है। तो लक्षण क्या होते हैं, पशु लाल आव मिला गोबर करता है, उसका पेट मरोड़ भरी दर्द होती है और उसकी पुतलियां पीली पड़ जाती है, जो पुतली होती है वो पीली पड़ जाती है। उपचार में क्या है, उपचार में इसको 500 ml अंडी के तेल को उसको पिला देना चाहिए और उसके पेट की सिकाई करनी चाहिए और फिर पशु चिकित्सक से अवश्य मिलना चाहिए। पास में ही आपके एक पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वहाँ जा करके अपने पशु को दिखा लेना चाहिए। अगला है जुकाम बुखार। जुकाम बुखार ठंड लग जाती है, ठंड या गर्मी, गर्मी से चढ़ करके पशु आया और उसको ठंडा पानी पिला दिया तो क्या हो जाता है, उसको जुकाम बुखार हो जाता है। लक्षण क्या है, बुखार जब आएगा तो उसे बुखार चढ़ा होगा, आंखों में सफ़ेद कीचड़ जैसा आता है, नाक बहने लगती है उसकी, पतला सा दर्द निकलता है, खांसी आती है और पशु क्या होगा, एकांत में बैठा रहेगा, खाना पीना छोड़ देता है। उपचार में क्या है, चिकित्सक की सलाह से ज्वरनाशी दवाएं, एंटीपायरेटिक्स जो होती हैं, एंटीहिस्टामिडीन होती हैं, वो आप लोगों को बता नहीं रहे हैं क्योंकि वो दवाएं आप लोग अपने आप करने लगेंगे, इसलिए ज्वरनाशी दवाएं हैं। तो दवाएं चिकित्सक की सलाह से ही दी जाती हैं, उसके वजन के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से दी जाती हैं। अभी आप लोग वो कर नहीं पाएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। ये आयुर्वेदिक दवा हम बताए दे रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा कर सकते हो। चिरायता लाएंगे 50 ग्राम 1 लीटर पानी में, तब तक घोलेंगे जब तक वो आधा लीटर ना रह जाए। जब आधा लीटर रह जाए तो उसको सुबह शाम पिला देंगे तो उसको आराम मिल जाएगी। तो आज ये दो रोग पढ़ाए हैं, कल पढ़ाएंगे और जो परजीवी होते हैं जुए किल्ली वगैरह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।